जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हूं देवीलाल पाटीदार और आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान देवीलाल पाटीदार छोटा चिरोला। दिनांक है आज 6 जनवरी 2024 और समय है लगभग 7:00 PM। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था और आपके भी मन में जो है बेसब्री से इंतजार है कि आखिर आने वाले दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी। आज तो मौसम भी जो है कोहरा वगैरह जो है साफ हो गया है, धूप निकल चुकी है और सारे वेदर भी जो है बारिश नहीं बता रहे हैं। और हमने उस समय ये बताया था कि 8 तारीख से जो है MP में भारी बारिश होगी, तो उस समय की स्थितियाँ देखिए अलग थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में कुछ अलग है। और हमने उस समय ये भी कहा था कि 1-2 दिन में अगर जो वेदर चेंज हो जाए तभी आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा ना दें। तो वर्तमान स्थिति अभी ऐसी है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन्हीं स्थितियों के बीच में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे का मौसम कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं हम कि आगे का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, अभी भी वर्तमान स्थिति में कोई भी वेदर है वगैरह तो जो कोई खास बारिश जो है नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि कल से जो है उज्जैन के कुछ क्षेत्र, शाजापुर, देवास और इंदौर, यहाँ से कुछ बादल बनना शुरू होंगे तो, और हल्की फुल्की कहीं पे हो सकता है बारिश हो। कल 7 जनवरी है तो कल से यहाँ से शुरुआत होगी। उसके बाद में 8 जनवरी को नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, जो भी है ऊपरी ज़िले हैं, यहाँ पे जो है ठीक ठाक बारिश की हमें है। भारी बारिश तो नहीं कह सकते, लेकिन देखिए इस समय जो भी बारिश होती है यानी कि होगी, वो जो जिस खेत में सिंचाई करी हुई है तो वहाँ अपने को लगेगा कि यार बहुत अच्छी बारिश हो गई। जो खेत सूखे हैं वहाँ पे ऐसा लगेगा कि कम बारिश हुई। तो जो भी हो जाए समय पे, तो यहाँ से बारिश शुरू होगी तो 8 और 9 को, यानी कि स्थिति वही है जो हमने पहले बताई थी। हालांकि उस समय हमने भारी बारिश का शब्दों का जो है चयन करा था, लेकिन इस बार भी स्थिति वही है कि भैया नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, जो भी ज़िले हैं सभी में बारिश होगी। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, देवास, सीहोर, शाजापुर, यानी कि भोपाल तक जो है बारिश होगी। तो यानी कि कल 7 से शुरुआत होगी, यहाँ से इंदौर, उज्जैन, देवास के कुछ ज़िलों में जो है हल्के बादल बनेंगे और बारिश होगी हल्की फुल्की। उसके बाद में 8, 9 और 10, इन 2-3 दिनों में जो है कई जगहों पर मध्यम, हल्की से मध्यम जो है बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो है 10 के बाद में ही मौसम साफ होगा, इससे पहले बादल वगैरह रहेंगे और ये बारिश का जो सिलसिला है कल से शुरू होगा, तो 8-9-2 दिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा और अधिक बारिश की संभावना रहेगी तो नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन के कुछ क्षेत्र में, आगरमालवा, राजगढ़, इन जिलों में जो है ज़्यादा संभावना ही रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे थोड़ी बारिश कम होती रहेगी, लेकिन ये कह नहीं सकते हम कि यार इस ज़िले में जो है बारिश नहीं होगी या कल 7 को होगी या 8 को होगी। यानी कि कल से शुरुआत होगी यहाँ से, तो लगभग 8 और 9 और 10, इन 2-3 दिनों में जो है बारिश लगभग 1/3 MP को कवर करेगी, चाहे वो बारिश फिर भारी बारिश हो या फिर हल्की बारिश हो। इसके अलावा भी कुछ अगर जो इसमें परिवर्तन होता है या कोई अपडेट होती है तो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।